आज मैं आपको ये बना के दिखाने वाला हूं। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, वेजिटेरियन का मटन है ये, सोया चाप दम बिरयानी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है तभी आप सीख पाएंगे। आप कोई भी दम बिरयानी बनाए तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है, आपने चावल को भिगाना है। चावल लिए हैं मैंने 1 किलो, और ये बासमती राइस है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि शेफ आपने राइस कौन से यूज किए, तो मैं हमेशा बासमती राइस यूज करता हूं। और कंपनी जो आपको पसंद हो, आपकी फेवरेट ब्रांड हो, उसका आप ले सकते हैं। और इसको आपने कम से कम 3 से 4 बार धो लेना है अच्छी तरीके से, अभी बाद में ना धोएं। बाद में धोने से क्या होता है, चावल टूट जाते हैं। और चाप भी लिए मैंने 1 किलो, क्योंकि चाप है ना बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप 1 किलो से ज्यादा ना लें। 1 किलो चावल के लिए 1 किलो चाप काफी है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से सभी लकड़ी निकाल लेना है, उसके बाद आपने इसको काटना है। आज आपने चाप कितनी बड़ी काटनी है, इतनी देखिए, एक चाप की आपने सिर्फ और सिर्फ 3 पीस करने, इससे ज्यादा छोटा ना करें। अगर आपकी चाप छोटी है तो आप 1 का 2 कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये चाप की साइज छोटी है तो मैं इसका 1 का 2 करूंगा, मतलब आपने इतना ही बड़ा रखना है, छोटा बड़ा ज्यादा ना करें। चाप ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल गर्म होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए, इस चीज का आपने रखना है ख्याल। और आपने इस तरीके से देखिए ऐसे तेल में डालना है, इससे क्या होगा, आप जलेंगे नहीं, ये देखिए। और तुरंत आपने गैस फास्ट कर देना है, फास्ट गैस में आपने साफ तेल में फ्राई करना है। अब हमारी चाप बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, देखिए कलर कितना बढ़िया सुनहरा आ गया है। तो आपने ऐसी ही फ्राई करके निकाल लेनी है, मैं भी निकाल लूंगा। चाप आपने ऐसे एक छलनी में रखना है ताकि इसका सारा तेल नचुड़ जाए, अगर हो, वैसे तो इसमें है नहीं, फिर भी आप ऐसा ही करें। आपने क्या करना है, तड़का मारने से पहले साथ में यहाँ पानी भी चढ़ा देना है चावल उबालने के लिए, क्योंकि आज चिकन है नहीं, चाप है, तो चाप हमने पहले ही फ्राई कर लिए, तो दोनों चीजें आप साथ में करें। पानी चढ़ाने के बाद आपने जिसमें बिरयानी बनानी है उसमें डालना है तेल, कम से कम 1/2 कप। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है 2 सिनेमन स्टिक, 2 काली इलायची, 8 हरी इलायची, 3 तेज पत्ते, 1/2 जावित्री का फूल, 10 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून जीरा। आप सोचेंगे तेल तो गर्म हुआ नहीं था, शेफ ने सारी चीजें पहले ही डाल दी, अगर मैं तेल गर्म करने के बाद सारी चीजें एक एक करके डालता ना तो क्या होता, चीजें जल जाती। अब आपने गैस फास्ट करना है और इनको ये देखिए अच्छी तरीके से चटका लेना है, इनकी खुशबू आपके नाक तक आए इतनी देर तक। अब मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से चटक चुके हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें डालना है प्याज, ऐसे काट के डालें। प्याज लिए मैंने 6, और प्याज में एक बेहतरीन कलर आने का इंतजार करना है, और अच्छा कलर आता कब है, ऐसे लगातार चलाने से, तो आपने चलाना जरूर है, इस चीज का रखना है ध्यान। अब ये देखिए प्याज में बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है, देख रहे ना आप कितना बढ़िया कलर आया है। इस टाइम पे आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेना है, ऐसे प्याज निकालना जरूरी है, क्योंकि ये आपने बिरयानी के ऊपर डालनी है, इसलिए ये देखिए थोड़ी निकाल लें। उसके बाद आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ऐसे थोड़ा सा भूनना है, जैसे कि मैं भूना, वाह बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर, ऐसे प्यार से चलाया, बढ़िया कलर आ गया ये देखिए। और आपने इसमें डाल दिया टमाटर, टमाटर लिए हैं मैंने 4, और ये देखिए इनको थोड़ी देर ऐसे पका लिया, टमाटर गलने तक पकाएं, फिर आपको बताता हूं आपने क्या करना है। जब आप ऐसे थोड़ी देर पका लेंगे टमाटर गल जाएंगे इस तरीके से, और ऐसे चमक आ जाएगी, तब आपने क्या करना है, गैस कर देना एकदम स्लो, और आपने इसमें डालना है दही 200 ग्राम, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, ये होममेड मसाला है। अगर आपने जानना है कि बिरयानी मसाला कैसे बनाते हैं तो आपको इसका लिंक मिलेगा आई बटन में, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, कम से कम 7 से 8 ऐसी कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, थोड़े से पुदीने के पत्ते, जूलियन जिंजर, ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसमें चांप भी डाल देना है जो हमने फ्राई करके रखी थी, ये देखिए इस तरीके से, और आपने ऐसे फिर इसको चलाना है।
देख रहे ना क्या बेहतरीन चीज बनके तैयार होने वाली है, मजा आने वाला है। अब थोड़ी देर ऐसे पका लें, थोड़ी सी देर, फिर इसकी चमक देखें आप कितनी बेहतरीन हो जाएगी। कितनी देर आपने पकाना है, इतनी देर ऐसे भदक पड़ने लगे, ऐसे जब भदक पड़ने लगेगी तब आपने क्या करना है, गैस कर देना एकदम स्लो, मतलब जितनी स्लो आप कर सकते हैं उतनी स्लो कर दें और इसको छोड़ दें। अब पानी चढ़ाने का फायदा क्या हुआ, जब तक हमने ये तड़का मारा, चाप तैयार हुई हमारी, तब तक क्या हुआ, पानी भी उबलने लगा है। ये देखिए, देख रहे ना आप, पानी हल्का हल्का उबलने लगा। जब आपका पानी ऐसे उबल जाएगा तब आपने इसमें डालना है आधा कप तेल, आधा टीस्पून काली मिर्च, दो सिनेमन स्टिक एक इंच लंबी, दो तेज पत्ते, आठ लौंग, छह हरी इलायची और एक नींबू को आपने ऐसे स्लाइस काट के डालना है। कम से कम 3 टेबल स्पून नमक, नमक डालने में कोई कंजूसी नहीं करना है। ये सब खड़े मसाले जब आप डाल देंगे उसके बाद आपने 5 से 6 मिनट इसको उबाल लेना है मसालों के साथ, उसके बाद इसमें डाल देना है चावल। ये देखिए, अब एक बात आपको बता दूं, आप चाहे तो मसाले छान के निकाल भी सकते हैं या फिर साथ में उबाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे चावल उबल चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए मैंने इनको 7 मिनट उबाला है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उबल चुके हैं, 80% आपने उबालना है बस। अब मैं क्या करूंगा, इनको फटाफट छान लूंगा। चावल मैंने छान लिए और इनसे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, मतलब ये बता नहीं सकता, ये आपने मुझे बताना है जब आप बनाएंगे तो। अब आप चाप देख रहे हैं ना, इसकी भी बहुत ही बढ़िया शक्ल हो गई है। अब आपने क्या करना है, एक बार ऐसे चलाना है इस तरीके से और इसमें से आधी चाप निकाल लेना है। कितनी, आधी चाप निकालने के बाद गैस बंद कर देना है आप। उसके बाद आपने इसमें देखिए चावल डालने हैं। वाह, चावल की शक्ल तो मस्त हो गई है, वाह भाई वाह। ये देखिए चावल डालने के बाद अब आपने क्या करना है, जो हमने आधी चाप बचा के रखी थी वो इसको ऊपर डालना है। देखिए ऐसे फैलाए इस तरीके से, फिर आपने चावल इसके ऊपर डाल दिए। अब आपको पता चला ना बिरयानी क्या बनने वाली है, खतरनाक एकदम, बहुत ही बेहतरीन, पूरी भर दूंगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने डालना है देसी घी, कम से कम 4 टेबल स्पून, पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते और जो हमने प्याज बचा के रखी थी, देखिए क्या कलर आया है, ऐसे डाल दें। उसके बाद 2 पिंच दालचीनी का पाउडर, 2 पिंच इलायची पाउडर, थोड़ा सा केवड़ा पाउडर, बस और कुछ नहीं डालना है। थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़कना है, पानी छिड़कना जरूरी है। पानी छिड़कने के बाद ऐसे इसके ऊपर कपड़ा ढका, उसके बाद ये मारा ढक्कन। ये देखिए कैसे चावल ऊपर तक भरे हुए हैं। ढक्कन मारने के बाद ऐसे आपने कपड़े को इस तरीके से ऊपर उठा लिया, फिर आपने की गैस चालू। गैस चालू करने के बाद आपने अपने घर की गैस ऐसे फास्ट रखना है 4 मिनट। उसके बाद 4 मिनट के बाद आपने गैस, ये देखिए, ऐसे स्लो कर देना है 6 मिनट। मेरी गारंटी है चावल नीचे जलेंगे नहीं, लगेंगे नहीं और एकदम बढ़िया तरीके से पक जाएंगे। और 10 मिनट के बाद आपने, टोटल 10 मिनट के बाद आपने गैस बंद कर देना है। उसके बाद ऐसे ही इसको 15 मिनट रख रहने देना है, मतलब टोटल 25 मिनट लगेगा और आपकी बिरयानी इतनी बढ़िया बनेगी ना जिसका कोई जवाब नहीं है। 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैंने देखी नहीं है, मैं और आप मिलके देखेंगे क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आई है ना, उससे अंदाजा लग रहा है कि बिरयानी तैयार हो गई। ये देखिए क्या बेहतरीन लाजवाब खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पलट के दिखाऊंगा, नीचे देखते हैं जली या नहीं। आज मैं आपको बिरयानी पलटने का आसान तरीका बताऊंगा। आज आपने क्या करना है, चाकू के ऊपर कद्दू गिराना है, ये देखिए ऐसे, उसके बाद ऐसे देखिए ऐसे उठाना है, 1 2 3, ये देखिए वाह मजा आ गया। मैंने थोड़े दिन पहले बिरयानी बनाई थी और ऐसा लाल हो गया था चिकन, तो आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट थे कि ये जल गया, तो ये देखिए आपको पास से दिखा रहा हूं, ये जला नहीं है, इसको लाल होना बोलते हैं, ये देखिए बिल्कुल जला नहीं है, उस दिन भी नहीं जला था, अगर जलता तो मैं आपको जरूर बताता। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखिए क्या चावल हुए खिले खिले और खुशबू का तो कोई ठिकाना नहीं है, मतलब मजा आ गया है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मजा आया या नहीं। अगर मजा आया है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए